नहीं जानता कि मैं कौन हूं। ला रहे हैं साल रोहित शेट्टी, क्या रोहित की आने वाली फिल्म देगी एक दूसरे को ही टक्कर? कौन सी दमदार सीक्वल्स फिल्म हमें देखने को मिलने वाली है इस साल? नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सर्कस मूवी से रिलेटेड कुछ दिलचस्प बातें। दमदार एक्शन और जबरदस्त कॉमेडी फिल्मों के साथ एक बार फिर डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपनी एक्शन और कॉमेडी फिल्मों का जलवा इस साल फिर से अपने दर्शकों के लिए ला रहे हैं। जी हाँ, जहाँ रोहित शेट्टी अजय देवगन संग अपने चार चार ब्लॉकबस्टर हिट से ये साल ब्लास्ट करने वाले हैं, वहीं दो दमदार सीक्वल्स और दो फ्रेश फिल्मों का आगाज कर दिया है रोहित शेट्टी ने। चलिए बताते हैं आपको उन जबरदस्त फिल्मों के बारे में। 2006 से शुरू हुई गोलमाल की एक के बाद एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्मों के सीक्वल्स, जहाँ गोलमाल के बाद गोलमाल अगेन, गोलमाल 2, गोलमाल 3 और अब जल्द ही 2021 में गोलमाल 5 के साथ हमें हंसाने के लिए तैयार हैं रोहित शेट्टी। आपको बता दें, गोलमाल 5 में इस साल हमें गोलमाल 4 की सेम कास्ट देखने को मिलने वाली है, जिसमें अजय देवगन, अर्शद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू, श्रेयस तलपड़े नजर आएंगे। फिल्म में अभी फीमेल लीड एक्टर की कोई एग्जैक्ट अपडेट नहीं आई है, पर बताया जा रहा है कि गोलमाल 5 में भी शायद बेबो यानी करीना कपूर खान वापस से देखने को मिल सकती हैं। वहीं दूसरी ओर रोहित शेट्टी अपनी एक और सीक्वल फिल्म धुआंधार सिंगम 3 के साथ नजर आने वाले हैं और ये फिल्म हमें 10 सितंबर 2021 को देखने को मिलने वाली है। रोहित शेट्टी की एक्शन फिल्मों का दी एंड यही नहीं हुआ है। दरअसल सिंगम 3 के अलावा खिलाड़ी अक्षय कुमार की सूर्यवंशी फिल्म, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी, जो जल्द हमें इसी साल देखने को मिलने वाली है, जिसमें अजय देवगन हमें क्लाइमैक्स में दिखेंगे। तो जहां रोहित शेट्टी की दमदार फिल्मों का हिस्सा रहेंगे अजय देवगन, वहीं दूसरी ओर न्यू ईयर के मौके पर अपनी फिल्म से हंसाने के लिए रोहित शेट्टी गोलमाल 5 के अलावा एक और जबरदस्त कॉमेडी फिल्म सर्कस के साथ हाजिर होने वाले हैं न्यू ईयर के मौके पर। जी हाँ, आने वाली ये कॉमेडी फिल्म 31 दिसंबर 2021 को देखने को मिलेगी, जिसमें रणवीर सिंह हमें लीड रोल में नजर आएंगे। तो इस साल देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रोहित शेट्टी अपनी ही फिल्मों को आपस में कितना टक्कर दे पाते हैं, क्या सब फिल्में हिट जाएंगी या देंगी आपस में ही एक दूसरे को टक्कर। देखते हैं क्या होगा इस साल का रोहित शेट्टी की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप रोहित शेट्टी की कौन सी फिल्म देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियो।